Welcome to my channel. Hit the red button to subscribe. If you like this video, please click like button and don't forget to share with your friends. मैंने बहुत सोचा कि इस वीडियो को कैसे बनाऊं, कैसे समझाऊं अपने दर्शकों को। वो क्या है ना, बात ही कुछ ऐसी है। लोग बोलते हैं बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, इंडस्ट्री की बहुत डिमांड है, इस इंडस्ट्री की बिजनेस बहुत बड़ी है। इन सब चीजों के मतलब यही निकल के आता है कि बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। फिर चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, बॉलीवुड में अब तक सबसे बड़ा हिट मूवी कौन सा है। आंसर इज दंगल। दंगल वाज हैविंग ऑल परफेक्ट कॉम्बिनेशंस लाइक फिल्म स्टार्स, स्टोरी, टाइमिंग। ये बहुत ही हाइप्ड मूवी थी उस जमाने में। Everything on earth favoring to this movie. Now we have a sample movie. Now we can do calculation. This film ka lifetime gross income from India was 374 crores. Ab agar भारत में सिंगल शो फिल्म का चार्जेस कैलकुलेट करेंगे कितना होगा। अब देखो छोटे छोटे शहरों में या गांव में 100 रुपए से शुरू होता है फिल्म टिकट, और मेट्रो सिटीज में तो 1000 और 1200 तक फिल्म शो के चार्जेस रहते हैं। सो यहाँ पे हम बहुत नीच लेवल पे जाके कैलकुलेट नहीं करेंगे, मान लेंगे ऑन एन एवरेज 200 पर टिकट। Now we will try to find out कितने लोग थिएटर में जाके फिल्म देखते हैं। तो lifetime gross income from India of the movie divided by average price of ticket. तो 374 crores divided by 200 rupees कितना हुआ, 1.87 crores। ठीक है, मान लेते हैं 2 करोड़ लोग इस फिल्म को देखा है। और एक बात, हालत इंडिया में ऐसा है कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स की लोग बोलते हैं हमेशा रिगिंग होती है, इसमें बड़े बड़े घोटाले होते हैं। आप देख लो कितने कम हो जाएगा 2 करोड़ में से। और इस फिल्म की ज्यादा से ज्यादा इनकम मेट्रो सिटी से ही है, और आपको पता है मेट्रो सिटीज में 350 रुपीज से शुरू होती है और 1000 और 1200 तक टिकट चार्जेस रहता है। फिर भी हम बड़ा दिल बनाकर कैलकुलेट किया तो 2 करोड़ नंबर पे आए, मतलब 2 करोड़ लोग फिल्म देखते हैं। भारत के सबसे सुपर हिट मूवी और सिर्फ 2 करोड़ लोग देखने गए, और कितने पागल लोग होंगे। मैं इनको पागल नहीं वेल्ला बोलूंगा, इस फिल्म को 2 से 3 बार देखे भी होंगे। I mean, ज्यादा से ज्यादा बॉलीवुड मूवीज वेल्ले लोग ही देखते हैं। कोई इंटेलिजेंट, कामयाब, अपनी जिंदगी में खुश हो या एंगेज्ड हो, वो लोग मूवी नहीं देखते, कुछ घास भी नहीं डालते। अब आएंगे भारत में जनसंख्या कितना है। इट्स ऑलमोस्ट 135 करोड़। 135 करोड़ में सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ लोग देखते हैं मूवीज मैक्सिमम ऑन एन एवरेज ओनली 1.5%। आपको बताऊं मैंने दंगल फिल्म को ही क्यों चुना, क्योंकि कंपैरेटिवली ये मूवी बहुत अच्छी थी, कुछ स्टोरी थी इसमें, ऑडियंस को एंगेजिंग रखती थी, तो ऑडियंस बोर नहीं होते थे इस फिल्म को देखने में। वैसे इस तरह की फिल्म बना ही नहीं है अब तक बॉलीवुड में। मैं मानता हूँ कुछ फिल्म देखने वाले लोग इस फिल्म को थिएटर में जाके नहीं देखा होगा, मिस किया होगा। इन सबको हमने 2 करोड़ में कंसिडर किया है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, 2 करोड़ से ज्यादा हो ही नहीं सकती। बॉलीवुड मूवीज देखने वाले बस 2 करोड़ लोग ही है भारत में। घर में बैठे देखने वाले होंगे, लेकिन उन लोगों को कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि मूवी देखने के लिए दे डोंट स्पेंड मनी। दैट्स व्हाट माय पॉइंट, बॉलीवुड फेल्ड टू रीच बिग अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, स्टिल देयर इज सो मच रूम टू एक्सपेंशन। अगर लोग फिल्म देखने के लिए थिएटर नहीं जाएंगे तो बॉलीवुड इज नॉट डूइंग इनफ टू अट्रैक्ट पीपल टू गो टू थिएटर। घर में वेले बैठे होंगे, काम नहीं होगा करने को, देखे होंगे मूवीज, सो वी आर नॉट कंसीडरिंग देम सीरियस बॉलीवुड फॉलोअर्स। और अब आएंगे उस बात पे,
बॉलीवुड की हिस्ट्री देख लो आप, 100 साल में इतनी पब्लिसिटी मिली इस इंडस्ट्री को, पूरा रिसोर्स मिला, पॉलिटिकल पावर था इसके पीछे, सोशल मीडिया के पावर, प्रोपेगेंडा मशीन, प्रो इंडिया एलिमेंट, एंटी इंडिया एलिमेंट, सारे इकोसिस्टम इन लोगों के साथ था। दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री को इतना सपोर्ट मिलता ही नहीं, और पूरा इंटेंशन था टू प्रूव दिस इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ वेले लोगों को ही जुड़ पाए अपने झुंड में। अब आप समझ सकते हैं बॉलीवुड की कामयाबी, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी, पब्लिसिटी की रिजल्ट, जो भी कहो बस इतना ही है। अगर ये चाहते इस इंडस्ट्री को बढ़ाने की, देन इन लोगों के लिए स्काई वॉज लिमिट। यस, स्काई वॉज अ लिमिट, बट बॉलीवुड इसमें ही खुश है। क्या आपको लगता है बॉलीवुड फेल हो गया है भारत में? इसको जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा क्या फेल हुई है बॉलीवुड, और क्यों हुई है अगर फेल हुई है तो।